पन्नी लगा के कब से रह रही हैं आप? अरे हम जब से हमें घर उठी का तब से हम घर में पन्नी लगाए हैं। जो जाए खाता में तो झूला उठी है। आधार कार्ड लेते हैं, पासबुक लेते हैं, पैसा नहीं जाएगा। दो दो में एक ही किस्त ही खाली मिला है सब। तीन साल से हो गया आवास मेरा रुका हुआ है। ऐसा तो यहाँ पे ऐसे कुछ घर हैं आवास के कभी बीम भर पड़ा हुआ है, छत तक के पैसा निकाल दिए। भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ी ग्राम पंचायत दिहिया पंचायत। गरीबों का हक मार रहे सचिव और सहायक सचिव। ग्राम पंचायत दिहिया जनपद पंचायत सिरमौर के अंतर्गत भ्रष्टाचार के नित नए आयाम रच रही है। ग्राम पंचायत दिहिया के ग्राम सचिव ममता द्विदी और सहायक सचिव शिवांश पांडे ने ग्राम पंचायत में इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है। वहां पर निर्वाचित सरपंच की भी नहीं चल पा रही है और ग्रामीणों ने लिखित में JRS और सचिव के खिलाफ जनपद पंचायत CEO के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 2022 में कई परिवारों के घर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी शौचालय के 12,000 रुपए और मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी 18,000 रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई ऐसे परिवारों का नाम भी लोगों ने बताया जहां पर जमीनी काम होने के बाद भी छत तक का पैसा भुगतान कर दिया गया। ऐसा तो यहाँ पे ऐसे कुछ घर हैं आवास के कभी बीम भर पड़ा हुआ है, छत तक के पैसा निकाल दिए। अच्छा, ऐसा तक हुआ है? क्या बात करते हैं, हम जांच करवा देंगे यहाँ इसी गांव में। और ग्रामीणों का आरोप है कि जब सहायक सचिव से पूछा जाता है पैसों के बारे में तो सहायक सचिव द्वारा अभद्र भाषाओं का उपयोग किया जाता है। ग्रामीणों का सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप ममता द्विवेदी और शिवांश पांडे रोजगार सहायक के ऊपर लगा है। जब इस संदर्भ में हमारे पत्रकार साथी ने जनपद पंचायत CEO से जानकारी चाही तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि GRS की शिकायत लगातार आ रही थी, जिसके कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। आज शाम तक यदि जवाब नहीं आता तो दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिला पंचायत को सूचित किया जाएगा। नहीं, ये शिकायत जैसा कि अभी मैंने आपने पत्र के माध्यम से हमको बताया है, मैं पूर्व में भी पता किया था। मतलब एक दिन शिविर लगा था हमारे जनपद में, तो मैं संबंधित रोजगार सहायक को मैं पर्याप्त समझाइश दिया हूँ, उसके बावजूद भी उसने मतलब कहीं उसमें सुधार नहीं हो पा रहा। अभी उसकी कल परसों की एक और शिकायत आई थी जो कि वास्तव में शिकायत पौनी थी, तो उसको मैं नोटिस काटा हूँ और 3 दिवस या 4 दिवस में जवाब मांगा हूँ। आज उसका 4th दिन है। यदि आज उसका शाम तक जवाब नहीं आता तो एक पक्षी कार्रवाई के लिए मैंने अपने जो स्थापना शाखा नरेगा है उसको मैं बताया हूँ, पत्र बन रहा है उसके अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए और उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का पत्र वरिष्ठ कार्यालय अर्थात जिला पंचायत कार्यालय में जाएगा और आज ही शाम तक चला जाएगा और उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के गठजोड़ ने ग्राम पंचायत दिहिया को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। पिछले कुछ सालों का यदि हिसाब लिया जाए तो रीवा जिले की सर्वाधिक भ्रष्ट पंचायत का पुरस्कार दिहिया को मिलने की संभावना है। अब भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर आमजन भी शिकायत करने लगे हैं। ग्राम पंचायत दिहिया के ग्राम जोखा में कुशवाहा बस्ती में पूरी की पूरी PCC सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जो सड़क महादेव मिश्र से अर्जुन कुशवाहा के घर तक 4,30,000 में बनी दर्शाई गई है, जहां केवल मिट्टी धूल है, जिससे रोड की स्थिति और खराब हो गई, जबकि यह रोड PCC होना दर्शाया गया है। इसकी शिकायत ग्रामीण जनों द्वारा संभागीय कमिश्नर के समक्ष की गई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आवास के पैसे को लेकर जनपद स्तर पर कई बार शिकायत का फैसला न होने पर कलेक्टर के समक्ष शिकायत की गई है। इसकी यह शिकायत 6 अगस्त को की गई, लेकिन आश्वासन के अतिरिक्त कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्या यह माना जाए कि आम जनता लूट का सामान है और प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मानते हैं? हालांकि जनपद पंचायत CEO ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन यह सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रहता है। यह इस पर कोई कार्रवाई होती है यह देखना होगा। हमारे पण के लिए मजदूरी नहीं आई है। कब, कितने साल हो गए घर बने? तीन साल हो गए। ये क्या समस्या आपकी आवास का? लेटरिंग की नहीं है। तो हाँ हाँ, कितने साल का घर बना हो गया आपका? तीन साल से अभी मजदूरी नहीं आई। आप कभी सेक्रेटरी से बात की मजदूरी क्यों नहीं आई? पंचायत की मंगाई नहीं।
किसके नाम से आवास? सुरेश विश्वकर्मा के नाम से। अच्छा, कितने साल का घर बना? दो साल के। हाँ, उसी के लिए बैठक करें तो कहीं कह गए आ जाइए, आवन नहीं आए, या कहा थे कि आई, आए नहीं रहा है। कितने साल से ऐसे बोल रहे हैं? दो डेढ़ साल से बोल रहे हैं, जब से मतलब छत पर गया, उसके बोला था कि आई आई आवन नहीं, अब बैठा कर रही, फोटो ले ही, पासबुक के फोटो कापी ले ही, सब ले ही, आया भेज नहीं आई। हाँ, ये कहीं ही के हो गए आई, जब सब किया तो तुम्हारा हुआ, जब सब किया तो हम का मान। टॉयलेट का पैसा आया? नहीं आया, न लेटरिन के आया, न लेटरिन के आया, न मतलब मजदूरी आई।